नमस्वय दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 22 अप्रैल 2023 की सुबह है, 3:33 पर गुरु मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मेष राशि में ऑलरेडी राहु गोचर कर रहे हैं, तो राहु और गुरु की युति बनने वाली है, चांडाल योग का निर्माण होने वाला है और 30 अक्टूबर 2023 तक गुरु राहु मेष राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में असर देखने के लिए मिलेगा और इसका देश काल और वातावरण के ऊपर भी प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। धनु राशि के जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। किन किन क्षेत्रों में गुरु का यह परिवर्तन आपके लिए बड़े बदलाव दे रहा है और क्या क्या सावधानी धनु राशि के जातकों को रखने की आवश्यकता रहने वाली है। गुरु बृहस्पति के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सभी नवग्रहों में गुरु को सबसे प्रभावशाली और सबसे शुभ ग्रह माना गया है। मान्यताओं के अनुसार इनको देवताओं का भी गुरु कहा जाता है। गुरु को भाग्य, ज्ञान, धन, संतान, बड़े भाई और वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर गुरु का ही प्रतिनिधित्व रहता है। देव गुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद इन तीन नक्षत्रों के स्वामी माने जाते हैं। देव गुरु बृहस्पति की स्थिति यदि जन्म कुंडली पर बली हो, मजबूत हो, तो कई प्रकार की सफलता जीवन में देखने के लिए मिलती है। गुरु यदि बली हो तो जीवन में जातक आध्यात्मिक क्षेत्रों में सफलता अर्जित करता है। शिक्षा के क्षेत्र में जातक काफी अव्वल रहता है। धन की वृद्धि होती है। वैवाहिक और संतान से संबंधित सुख जातक के जीवन में प्राप्त होता है। वहीं गुरु के खराब होने पर, यानी यदि जन्म कुंडली पर गुरु बृहस्पति पीड़ित हो जाएं, नीच के हो जाएं, सूर्य के द्वारा अस्त हो जाएं, शनि राहु केतु के अस्तित्व में यदि आ जाएं, प्रभाव में यदि आ जाएं, तो गुरु कमजोर हो जाते हैं। इसके प्रभाव से मोटापा, डायबिटीज, धन की कमी, संतान और वैवाहिक जीवन को लेकर समस्या देखने के लिए मिलती है। शिक्षा में अवरोध का सामना करना पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां और परेशानियां गुरु के पीड़ित होने पर, जन्म कुंडली में गुरु के खराब होने पर देखने के लिए मिलती है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के जीवन में देव गुरु बृहस्पति की बदली चाल किस प्रकार का असर डालने वाली है। देखिए, 13 महीने के पश्चात यह परिवर्तन हो रहा है और ये जो फलादेश है धनु राशि के जातकों, आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखने का प्रयास करें। देखिए, देव गुरु बृहस्पति हैं जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर, लगन और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर देव गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। राशि के पंचम भाव से संतान, बुद्धि, प्रेम संबंध, शिक्षा के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। पंचम भाव पर राहु और गुरुदेव बृहस्पति का मौजूद होना आपके जीवन में कई बदलाव को दिशारा कर रहा है। पंचम भाव पर गुरुदेव बृहस्पति राहु के साथ मौजूद होंगे तो गुरु अपनी पंचम दृष्टि से आपके राशि के भाग्य भाव को देखने वाले हैं। सप्तम दृष्टि से आपके राशि के लाभ भाव को देखने वाले हैं। नवम दृष्टि से आपके राशि के लगन भाव को देखने वाले हैं। तो ये गोचर सबसे पहले धनु राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक उन्नति और नए आय के स्रोतों का सृजन करने वाला है। यानी यदि आपके जीवन में पूर्व की समयावधि से लगातार कर्ज बना हुआ है या आमदनी में कहीं ना कहीं कमी बनी हुई है या ज्यादा मेहनत करने के बावजूद आपके जीवन में
धन के मामले में लगातार समस्या बनी हुई है। तो गुरु बृहस्पति आपके राशि में लाभ भाव से संबंध जोड़ेंगे तो धन की अकस्मात वृद्धि होने की संभावना बनेगी, नए नए आय के स्रोतों का सृजन होने वाला है। भूमि भवन वाहन से संबंधित सुख यदि आपके जीवन में नहीं है या किसी प्रकार के भौतिक सुखों की चाह यदि आप जीवन में रखते हैं उसमें आपको सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। गुरु के इस परिवर्तन से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए अनुकूलता और बेहतरीन स्थितियां मिल सकती है, शिक्षा में सफलता मिलेगी। कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आपको लगातार निराशा मिल रही है, मेहनत का फल नहीं मिल रहा है या जीवन में आपके बार बार काम रुक रहे हैं, करियर से जुड़ी हुई हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। गुरु के इस परिवर्तन से भाग्य का आपको भरपूर साथ देखने के लिए मिलने वाला है। चूंकि नवम भाव पर देव गुरु बृहस्पति प्रभावी रहेंगे, दृष्टि संबंध बनाएंगे, तो भाग्य के सहयोग से आपके जीवन में रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। उसके साथ साथ यदि आपके जीवन में पूर्व की समयावधि से संतान सुख नहीं है, संतान पक्ष के लिए समय बेहतर रहने वाला है। नवीन और लंबी यात्राओं पर जाने के अवसर आपको देखने के लिए मिल सकता है। विदेशों में यदि आप कोई कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं उसमें आपको विशेष सफलता देखने के लिए मिल सकती है। इस समय अवधि में आध्यात्मिक जीवन का माहौल आपके घर में बनेगा, यानी घर परिवार में धार्मिक कार्यों के आयोजन की प्रबल रूपरेखा बनाई जा सकती है और होने की भी संभावना बनने वाली है। तो इस प्रकार का सकारात्मक प्रभाव गुरु के परिवर्तन का देखने के लिए मिलेगा। अब गुरु राहु की युति 9 मई से लेकर 13 जून तक काफी ज्यादा प्रभावी रहेगी, तो इस दौरान आपको कुछ विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। धनु राशि के जातकों को सबसे पहली सावधानी प्रेम संबंध के मामले में रखनी चाहिए और वैवाहिक जीवन के मामले में रखनी चाहिए। 9 मई से लेकर 13 जून के बीच में किसी प्रकार का नोक झोंक और वैचारिक मतभेद निर्मित करने से बचना होगा। उसके साथ साथ यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं मन में व्यर्थ का भटकाव निर्मित होगा, इसलिए अपनी संगति के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कहीं आपकी संगति नकारात्मक लोगों के साथ ना होने पाए, इसलिए विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को अलर्ट रहना चाहिए। उसके साथ साथ तीसरी सावधानी आपको यह रखनी चाहिए, यदि आप नौकरी में बदलाव कर रहे हैं या व्यापारिक जीवन में कोई बड़ा बदलाव कर रहे हैं जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। धनु राशि के जातकों, देव गुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं, पंचम भाव पर जब प्रभावी होंगे राहु के साथ प्रभावी हो जाएंगे, तो इस यदि आपकी जन्म कुंडली पर भी गुरु राहु आपके पंचम भाव पर मौजूद हैं तो पितृ दोष का निर्माण हो रहा है, तो यहां पर आपको पितृ दोष की शांति करा लेना अत्यंत आवश्यक रहने वाला है। यदि आपकी जन्म कुंडली पर भी गुरु राहु पंचम में मौजूद हैं तो 22 अप्रैल के पश्चात आपको शांति करवानी चाहिए। धार्मिक उपाय की अगर आपके लिए जानकारी दिया जाए, सबसे पहले तो पिता तुल्य लोगों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलें, चाहे आपके पति हों, बड़े भाई हों, आपके दादा दादी हों, आपके माता पिता हों, इनसे संबंध को बेहतर बनाकर आपको रखना चाहिए। गुरुजन सुप्रभाव को अर्जित करने के लिए गुरुवार का व्रत रखना बेहतर रहेगा। जेब में पीला रुमाल अवश्य रखें। गुरु आपके राशि के स्वामी बनते हैं इसलिए ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः नामक मंत्र का हमेशा जप करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। गुरु को मजबूत करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पके हुए केले, पीले पकवान का दान करना बेहतर रहने वाला है। इससे आपको जीवन में काफी सकारात्मकता देखने के लिए मिलेगी और अनुकूलता काफी ज्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी धनु राशि के जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या बनी हुई है
तो आप हमें जरूर बताएं, प्रत्युत्तर यानी वीडियोस के माध्यम से हम उसका समाधान करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।